मथुरा सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को बच्चों ने साइंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी लगाई गई। साइंस मैथ सेक्शन में स्कूली विद्यार्थियों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ विषय से संबंधित कई प्रकार के वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल पेश किए। आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने मॉडल बनाकर जहां बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में बताया और जंगल बचाने तथा हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण, मिनी साइंस सिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ह्यूमन बॉडी, मैथमेटिकल मॉडल्स पर स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रारूप बनाया। विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी में मॉडल के माध्यम से सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, विद्युत प्रणाली, ज्वालामुखी, स्वच्छता, स्वास्थ्य अनेकों मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। प्रदर्शनी में विशेष आकर्षण वे 2 मार्च साइंस मॉडल रहा। टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी विद्यार्थियों ने कई वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए। पेश है मथुरा के संवाददाता अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। दिस एग्जीबिशन विल कंडक्ट बाय द स्कूल। दिस इज फॉर साइंस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। साइंस विल हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिगार्डिंग द इसरो एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोज वर अप्लाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर अ बेनिफिशियल्स ऑफ अ इंडियन community. And second one is we are having art and craft. So many craft models and art students will present in front of the by the help of teachers in front of the school management. And every year we will conduct our school will conduct as an annual function, as an annual sports meet and exhibitions per year. And this is for the beneficial, and so many students are doing very hard work for that. And some of our projects are very important. They are selected for CBSC national and CBSC cluster zonal level, and we are already qualified. Some of the students, they are conducted in a national participation next month, January. Okay. And Karanya sir will take the charge for that. Okay. And now my colleague Mr. Hindi Buddha to the exhibition तो वो लगती रहती हैं, हर स्कूल कंडक्ट करता है, लेकिन हमारे स्कूल में जो मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं जो प्योरली बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स हैं, और स्कूलों में और साइंस एग्जीबिशन में मार्केट से और प्रोफेशनल्स से मॉडल्स वगैरह बनवा के करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे बच्चों ने खुद ही किए हैं। यहाँ स्कूल में हम लोगों के साथ बैठ करके टीचर्स की गाइडेंस में किया। और हमारे आवर प्रिंसिपल मैम एंड वाइस प्रिंसिपल मैम विल मेक अ क्रिसमस ट्री फॉर 6 and 7 feet हाइट। वो एक आकर्षण का केंद्र है, 6 feet। और एक हमारे आकर्षण का केंद्र रहा शूटिंग रेंज, एक मिनी शूटिंग रेंज बनाई गई बच्चों के लिए, और ताकि बच्चे शूटिंग रेंज का एक लो मॉडल देख सकें कि शूटिंग रेंज किस तरह की होती है। उसमें पेरेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा व्यू दिया है। दे आर गिविंग अ फीडबैक, नाइस गुड फीडबैक फॉर दैट। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वी विल इम्प्रूव आवर।